11th क्लास में हम लोग जो अभी चैप्टर पढ़ रहे हैं वो है कॉनिक सेक्शन। कॉनिक सेक्शन में भी हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो है पैराबोला। शंकु परिच्छेद इस चैप्टर के अंतर्गत हम लोग परवलय टॉपिक को पढ़ रहे हैं। परवलय में चार स्टैंडर्ड फॉर्म होते हैं। पैराबोला के चार स्टैंडर्ड फॉर्म होते हैं। उन चारों स्टैंडर्ड फॉर्म्स को अच्छे से समझने के बाद अब बारी है पैराबोला चैप्टर के कुछ क्वेश्चंस को करने की। जो सबसे बेसिक सा क्वेश्चन होता है वो है, हमें क्या है, एक पैराबोला का इक्वेशन दिया हुआ रहेगा, एक परवलय का समीकरण दिया हुआ रहेगा, और उस परवलय के समीकरण से हमें उसके कुछ चीज़ों को ज्ञात करना रहता है। हमें पैराबोला का एक इक्वेशन गिवन रहता है और उस पैराबोला के इक्वेशन से हमें कुछ चीज़ों को फाइंड करना रहता है। जिन चीज़ों को हमें फाइंड करना रहता है उनमें सबसे मेन जो होता है वो है फोकस। जिन चीज़ों को हम ज्ञात करते हैं उनमें सबसे पहले नाभि रहता है, इसके बाद इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स रहेगा। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स का मतलब नियता का समीकरण हमें ज्ञात करना रहता है। साथ ही साथ नाभिलंब जीवा की लंबाई बोलेगा वो निकालने के लिए। नाभिलंब जीवा की लंबाई का मतलब लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम ये हमें निकालना है। और ये सब चीज़ें कब निकालनी रहती है, जब हमें पैराबोला का इक्वेशन गिवन रहता है। अब यहाँ पर क्वेश्चंस जो हैं दो तरीके के बनते हैं। दो तरीके के जो क्वेश्चंस बनते हैं उनमें सबसे पहला जो बेसिक सा क्वेश्चन है उसमें ये होता है कि हमारे पास जो पैराबोला का इक्वेशन गिवन रहता है वो पैराबोला का इक्वेशन अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में पहले से रहेगा। जो परवलय का समीकरण हमारे पास रहता है वो पहले से अपने मानक रूप में रहता है। हम लोगों ने चार टाइप के पैराबोला पढ़े हैं। पहला वाला जो टाइप का पैराबोला पढ़ा था वो था वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। दूसरा वाला जो पढ़ा था वाई स्क्वायर इज इक्वल टू -4ax। तीसरा वाला जो पढ़ा था एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -4ay। और चौथा वाला जो पढ़ा था एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, तीसरा वाला जो था एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू +4ay था, चौथा वाला एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -4ay। यही चार टाइप के हमने पैराबोला स्टैंडर्ड फॉर्म में पढ़े हैं। मानक रूप में हमने यही चार प्रकार के परवलय को पढ़ा है। अब क्वेश्चन में जो हमारा पैराबोला रहेगा वो डायरेक्ट इसी के फॉर्म में रहता है। जैसा कि यहां पर आप देख पा रहे हैं, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ फोकी, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स एंड लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम ऑफ द फॉलोइंग पैराबोलास। हमें दो पैराबोला दिए हुए हैं, इन दोनों पैराबोला के लिए हमको इसका फोकस निकालना है। फोकी जो होता है फोकस का प्लूरल फॉर्म है। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स निकालना है और लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम निकालना है। निम्नलिखित परवलयों के लिए उनके नाभि, नियता का समीकरण तथा नाभिलंब जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए। और हमारे पास दो इक्वेशन गिवन हैं, दो अलग अलग क्वेश्चंस हैं। हम दोनों को बारी बारी से सॉल्व करेंगे। सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन, द गिवन पैराबोला इज, हिंदी में लिखाएगा दिया गया परवलय का समीकरण। द गिवन पैराबोला इज, दिया गया परवलय का समीकरण। हमारा जो समीकरण है, हमारा जो इक्वेशन है वो है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू -12x। अब हमें करना क्या रहता है, आप अपने इस इक्वेशन को देखिए और इस इक्वेशन को देखकर ये बताइए इन चारों फॉर्म में से ये किस फॉर्म से मैच हो रहा है। चार टाइप के हमने पैराबोला पढ़े हैं, उन चारों में से ये किससे मैच हो रहा है। ध्यान से देखिए वाई स्क्वायर इज इक्वल टू है, तो आप देखेंगे तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू करके आपके पास दो इक्वेशन है। वाई स्क्वायर इज इक्वल टू के बाद देखिए ये प्लस में है और ये माइनस में है, ये किस में है। हमारा जो है इज इक्वल टू के बाद माइनस में है।
अगर इज इक्वल टू के बाद माइनस में है तो ये वाला जो है हमारा ये सेकंड वाले पैराबोला के जैसा है। ये जो हमारा पैराबोला है ये हमारा सेकंड वाले पैराबोला के जैसा है। तो इसके लिए हम लिखेंगे कंपेयरिंग द अबव पैराबोला विथ वाई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस फोर ए एक्स। हमारा ये वाला जो पैराबोला था ये इसके जैसा है तो हम इसकी तुलना इससे करने वाले हैं। हिंदी में लिखा जाएगा उपरोक्त परवलय की तुलना वाई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस फोर ए एक्स से करने पर हम क्या कर रहे हैं, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस फोर ए एक्स इसका हम कंपैरिजन करने वाले हैं। कंपैरिजन करके हमें सिर्फ ए की वैल्यू चाहिए। अब देखिए कंपेयर जब करेंगे इज इक्वल टू के पहले वाई स्क्वायर है, यहाँ पर भी इज इक्वल टू के पहले वाई स्क्वायर है, इज इक्वल टू के पहले वाई स्क्वायर तो सेम है, इज इक्वल टू के बाद यहाँ पर एक्स है, यहाँ पर भी एक्स है, ये भी सेम है, तब माइनस का साइन जो है वो माइनस के साइन के साथ मिल गया। अब ये जो 4a लिखा हुआ है इस 4a की जगह पर हमारे पास क्या लिखा है, इस 4a की जगह पर हमारे पास 12 लिखा है। बस इसी चीज़ को हमें लिखना रहता है। तुलना करके कंपेयर करके हमें क्या पता चला, कंपेयर करके हमें ये पता चला कि 4a इज इक्वल टू 12 है। 4a इज इक्वल टू अगर 12 है तो यहाँ से ए की वैल्यू निकालेंगे, ए की वैल्यू निकालने के लिए ये 4 जो है इधर जाके डिवाइड हो जाएगा तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा ए इज इक्वल टू 3। एक बार पैराबोला में अगर आपने ए की वैल्यू निकाल ली तो ए की वैल्यू निकालने लेने के बाद सारी चीज़ें बहुत ही आसान हो जाती हैं। आपने कल एक टेबल देखा था, उस टेबल में आप जितने भी फॉर्म्स को देखे थे चारों के चारों फॉर्म्स में हमने कुछ चीज़ों के बारे में डिस्कस किया था, बस वही सब चीज़ें हैं। हमें इसका फोकस निकालना है तो कोऑर्डिनेट ऑफ फोकस नाभि का निर्देशांक, जब हमारा इक्वेशन y स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 12x था, यानी हमने किससे कंपेयर किया था इसको, y स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4ax से कंपेयर किया था। y स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4ax में जो इसका फोकस होता है, जो इसका नाभि होता है वो माइनस a 0 होता है। अब हमने a की वैल्यू निकाली थी तो a की वैल्यू हमारी 3 थी, करना कुछ नहीं है, बस इस a की जगह पर हमें ये 3 रख देना है। तो यहाँ पर माइनस 3 0, ये माइनस 3 0 जो है हमारे इस पैराबोला जो कि हमारे क्वेश्चन का पैराबोला है इसका फोकस निकल गया। हमने प्रश्न में दिए गए परवलय का नाभि निकाल लिया। इसके बाद हमें चाहिए इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स यानी नियता का समीकरण। नियता का समीकरण हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म जो है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस फोर ए एक्स है। वाई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस फोर ए एक्स में जो हमारा नियता का समीकरण होता है वो क्या होता है, y स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस फोर ए एक्स में जो नियता का समीकरण होता है वो x इज इक्वल टू a होता है। x इज इक्वल टू a,
वैल्यू जो है हमें सिर्फ और सिर्फ एक ही रखनी है। एक ही वैल्यू, एक का मान जो है हमने 3 निकाला था, बस इस एक की जगह पर 3 रख दीजिए, मतलब एक्स इज इक्वल टू 3। बहुत ज़्यादा है तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, इस 3 को आप इधर बुला सकते हैं, ये 3 जब इधर आ जाएगा तो आपके पास आ जाएगा एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू 0। एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू 0 अपने आप में एक इक्वेशन है, एक समीकरण है, स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है। ध्यान दीजिए, आपका जो नियता होता है, आपका जो डायरेक्ट्रिक्स होता है, वो अपने आप में एक स्ट्रेट लाइन होता है, होता है, उसका इक्वेशन इसी तरह से निकलेगा। हमने डायरेक्ट्रिक्स का भी इक्वेशन निकाल लिया, अब हमें चाहिए लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, नाभि लंब जीवा की लंबाई, नाभि लंब जीवा लेटस रेक्टम, चारों के चारों इक्वेशन में लेटस रेक्टम हमेशा हमारा 4a था। चाहे कोई सा भी इक्वेशन ले लीजिए, उसमें लेटस रेक्टम जो होता है वो 4a होता है। तो यहाँ से ये 4a के बराबर आएगा। हमें वैल्यू बस किसका रखना है, वैल्यू बस हमें a का रखना है। a का वैल्यू हमने कितना निकाला है, a का वैल्यू हमने 3 निकाला है, तो a की जगह पर 3 रख दीजिए। 4 इंटू 3 इज इक्वल टू 12। ये जो हमने निकाला, ये इसका नाभिलंब जीवा लेटस रेक्टम का लेंथ निकल गया। हमें 3 चीज़ें निकालने के लिए बोली गई थी, हमने वो तीनों चीज़ें निकाल ली। अब बारी है इस सेकंड क्वेश्चन की। सेकंड क्वेश्चन में भी लैंग्वेज हमारा वही रहेगा, लैंग्वेज हमारा वही रहेगा, बस चेंज क्या होगा, जो हमारा इक्वेशन है हम उसको बस चेंज करेंगे। तो ये तो हो गया हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। अब इसके बाद हम सॉल्व करते हैं अपना सेकंड क्वेश्चन। तो सेकंड क्वेश्चन में यहाँ पर सबसे पहले मैं सेकंड डाल देता हूँ। द गिवन पैराबोला इज, ये लाइन हमारा वैसे ही रहेगा, दिया गया परवलय का समीकरण ये हम वैसे ही लिखेंगे। यहाँ पर क्या चेंज होगा, हम अगर इस सेकंड क्वेश्चन को कर रहे हैं तो हमारा अब यहाँ पर आ जाएगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 6y, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 6y, ये हमारा क्वेश्चन में पैराबोला था, हमने उसको लिख लिया। अब ये एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 6y इन चारों में से किसके जैसा है, सबसे पहले ध्यान दीजिए, यहाँ इज इक्वल टू के पहले एक्स स्क्वायर है, इज इक्वल टू के पहले अगर एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर के नाम पर हमारे पास दो पैराबोला होते हैं। इसमें भी इज इक्वल टू के बाद एक हिस्सा प्लस में है और एक हिस्सा माइनस में है। अब सारा चीज़ डिपेंड करेगा इज इक्वल टू के बाद। इज इक्वल टू के बाद देखिए, ये जो हिस्सा दिया है ये प्लस में है, अगर ये प्लस में है तो ये एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay के जैसा है। तो हम यहाँ पर हम इसका तुलना जो करने वाले हैं वो किससे करने वाले हैं, कंपेयरिंग द अबव पैराबोला विथ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay, उपरोक्त परवलय की तुलना एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay से करने पर। अब जब भी हम कंपेरिजन करते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म से, जब भी हम किसी पैराबोला का कंपेरिजन करते हैं तो वहाँ से कंपेरिजन करके हमें सिर्फ और सिर्फ a की वैल्यू निकालनी रहती है। a की वैल्यू निकालने के लिए एक्स स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर है, इज इक्वल टू है y है, यानी 4a की जगह पर हमारे पास क्या है, 4a की जगह पर हमारे पास 6 है। तो यहाँ पर फोर ए की जगह पर 6। अब यहाँ से हम a की वैल्यू निकालनी है, a की वैल्यू निकालने के लिए 4 जो है इधर आके डिवाइड होगा, तो यहाँ पर आएगा ये 6/4। कैंसिल हो रहा है क्या,
बिल्कुल हो रहा है। अगर कोई कैंसिल हो रहा होगा तो आप उसे कैंसिल करेंगे। तो यहाँ से निकल गया ए इज इक्वल टू 3/2। हमने ए की वैल्यू 3/2 निकाल ली। अब हमारा जो पैराबोला था एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 6y, इस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 6y का जब हमने तुलना किया था तो ये एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay से मैच हुआ था। अब याद करिए, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay में उसका फोकस क्या है? कल हमने चार्ट बनाया था, उस चार्ट में फोकस था। फोकस क्या होता है इसमें? इसमें फोकस होता है 0, a। तो यहाँ पर कोऑर्डिनेट ऑफ फोकस, ये लाइन हमारा वैसे ही रहेगा, नाभिक का निर्देशांक ये हमारा वैसे ही रहेगा, बस इसकी वैल्यू यहाँ चेंज होगी। क्या होगा? एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay, इस वाले पैराबोला में हमारा जो फोकस होता है वो होता है 0, a। ए की वैल्यू हमारे 3/2 थी, तो बस इस ए की जगह पर हमें 3/2 रखना है, 0, 3/2। 0, 3/2 ये जो हमने निकाला, ये क्या निकाला? फोकस निकाल लिया, नाभिक का निर्देशांक निकाल लिया। अब हम बात करते हैं इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स की, नियता का समीकरण। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay, इसमें डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन, नियता का समीकरण क्या था? इसमें नियता का समीकरण था वाई इज इक्वल टू -a। डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन, नियता का समीकरण यहाँ पर था y इज इक्वल टू -a। हमें बस a की वैल्यू रखनी है। a की वैल्यू हमने 3/2 निकाली है, तो उसको यहाँ पर रख देंगे, ये आ जाएगा y इज इक्वल टू -3/2। बहुत ज़्यादा होगा, आप इसको इधर सॉल्व कर सकते हैं। इस -3/2 को आप जब इधर लेकर आ जाएंगे तो यहाँ से आ जाएगा y +3/2 इज इक्वल टू 0। और अगर आप सॉल्व करना चाहें तो आप इसका एलसीएम लेकर भी सॉल्व कर सकते हैं। एलसीएम लेकर सॉल्व करेंगे तो 2y+3 इज इक्वल टू 0 आएगा। आप सोच रहे होंगे अपॉन का 2 कहाँ गया? अपॉन का 2 जो है उधर जाकर मल्टीप्लाई होकर 0 में चला जाएगा। आप इसको आगे भी सॉल्व कर सकते हैं, यहाँ तक भी छोड़ सकते हैं। तो ये हो गया हमारा इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। बात अगर हम करें लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम की, नाभिलंब जीवा की लंबाई, तो चारों के चारों इक्वेशन में लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, नाभिलंब जीवा की लंबाई हमारा कितना होता है? 4a ही रहता है। a की वैल्यू हमारी कितनी थी? a की वैल्यू थी हमारी 3/2। इस a की जगह पर 3/2 रख देना है। ये 2 से इस 4 को काटेंगे, 2, और इस 2 का जब 3 से मल्टीप्लाई होगा तो आपका फाइनल आंसर जो है 6 आ जाएगा। तो ये 6 जो है हमारा लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, नाभिलंब जीवा की लंबाई निकल गया। इस तरह से अगर हमारा क्वेश्चन पहले से ही स्टैंडर्ड फॉर्म मानक रूप में रहे तो उसको सॉल्व करना बहुत ही आसान होता है।